बाद जिंदाबाद। वही करते हो क्या जो संजय वाल सिखाना वही कर रहे हो तुम लोग? क्या गाड़ी में लग जाता? गाड़ी वहाँ है, हमने देख रहे हैं अपने भाई को। तुम लोग का ज्यादा फिक्र है, मेरा अर्जुन है। बुधवार की रात तेज प्रताप यादव का रौद्र रूप देखने को मिला है। पटना जंक्शन के मेन गेट के करीब बना दूध मार्केट को तोड़े जाने के बाद लालू के दोनों लाल यानी तेजस्वी और तेज प्रताप धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। इस दौरान दोनों ने पूरी एकजुटता भी दिखाई, लेकिन धरना खत्म होने के बाद जाते जाते लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का रौद्र रूप देखने को मिला। वो आए तो थे अपने अर्जुन का साथ देने, लेकिन जाते जाते वो अचानक गुस्से में आ गए। दरअसल पटना जंक्शन के पास धरना प्रदर्शन के समय तेजस्वी तेज प्रताप के अलावा राजद के कई और नेता मौजूद थे, जिसकी वजह से वहां काफी भीड़ भाड़ हो गया था। रात करीब 3 बजे धरना खत्म होने के बाद सभी लोग घर के लिए निकलने लगे। तेज प्रताप की गाड़ी के पीछे पीछे तेजस्वी की गाड़ी चल रही थी। प्रदर्शन खत्म होते ही तेजस्वी के सुरक्षा कर्मी सभी गाड़ियों को रास्ते से हटाने लगे। इसी बीच सुरक्षा कर्मियों ने तेज प्रताप की गाड़ी को भी आगे बढ़ाने को कहा। तब तक तेज प्रताप गाड़ी में बैठ रहे थे। तेज प्रताप को सुरक्षा कर्मियों की जल्दबाजी नहीं भाई और तेजस्वी के सुरक्षा कर्मियों पर अचानक तेज प्रताप एकदम से भड़क गए और सुरक्षा कर्मियों से लेकर उनके बेहद खास और उनके सलाहकार को भी खूब खरी खोटी सुना दी। तेज प्रताप बोले कि वो मेरा भाई है, वो मेरा अर्जुन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वही करते हो क्या जो संजय वाल सिखाना वही कर रहे हो तुम लोग? क्या गाड़ी में लग जाता? गाड़ी वहाँ है, हमने देख रहे हैं अपने भाई को। तुम लोग का ज्यादा फिक्र है, मेरा अर्जुन है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बुधवार की शाम पटना जंक्शन के पास दूध मार्केट तोड़े जाने के विरोध में वहां पहुंचे और भारी बारिश के बीच भी 8 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को तंग कर रही है, दूध बेचने वाले किसानों को तंग किया जा रहा है, सरकार लालू यादव के किए गए कामों को मिटाना चाहती है। इस दौरान तेजस्वी के साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इससे पहले तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर विरोधियों पर निशाना साधा था। आपको बता दें कि इससे पहले तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर विरोधियों को सावधान किया था। उन्होंने लिखा था कि महाभारत के युद्ध 2020, शायद इससे उनका मतलब आगामी 2020 विधानसभा चुनाव से होगा, इसके लिए अब कृष्ण यानी कि तेज प्रताप और अर्जुन यानी तेजस्वी यादव आ गए हैं। खैर, इस तरह के पहले भी कई दावे होते आए हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सबकी पोल खुल जाती है। खैर, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है ताकि सारी शक्तियां ठीक ढंग से काम करती रहें।